नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल ने DMLT फर्स्ट ईयर के साथ साथ DMLT सेकेंड ईयर के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं दोस्तों, जिसके अंदर मैं एस के सभी DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पैथोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों रेगुलरली। तो आइए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू का। अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दिया है, आज अपन उसके अंदर दोस्तों मल्टी लेयर के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे दोस्तों, कि मल्टी लेयर का जो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या अध्ययन होता है, क्या इसकी शेप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, क्या इसके टाइप्स होते हैं दोस्तों। एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने दोस्तों टू टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसके अंदर दोस्तों फर्स्ट था अपना सिंगल लेयर एपिथेलियल, और सेकंड था दोस्तों अपना मल्टी लेयर एपिथीलियम टिश्यू। तो दोस्तों यदि आपने हमारा वो फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने बात की थी दोस्तों सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकूं। आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक भी कर दें। और दोस्तों आपने अभी तक यदि ये वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, ताकि आपके और भी स्टूडेंट्स, आपके और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि मल्टी लेयर एपिथीलियम टिश्यू हम किस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों देखिए, दोस्तों आज जो अपन बात करने वाले हैं वो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों अपना मल्टी लेयर एपिथीलियम टिश्यू। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे दोस्तों इसको बारीकी से किसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, इसको दोस्तों टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर दोस्तों जो अपना फर्स्ट टाइप होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो अपना सेकंड होता है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू। देखिए दोस्तों, आपने यदि हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो प्लीज़ आप सबसे पहले जाकर के उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का एक चार्ट था जो कि मैं अपने फेसबुक ग्रुप पर दोस्तों अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उससे जुड़ जाएं, ताकि आपको भी वो नोट्स आसानी से मिल सकें और आपको दोस्तों यहाँ समझने में क्लेरिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर दोस्तों, किसको अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू, सेकंड है अपना ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू। बात करते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट इसके अंदर जो है वो है दोस्तों स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर चीज होती क्या है। तो देखिए, यह जो एपिथीलियम टिश्यू का टाइप है, यानी कि मल्टी लेयर एपिथीलियम टिश्यू से आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी जो लेयर होती है दोस्तों वो मल्टी लेयर होती है, यानी कि इसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स दोस्तों इसके अंदर पाई जाएंगी। क्यों पाई जाएंगी? क्योंकि इसका नाम ही दोस्तों क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू, जो कि टाइप किसका है दोस्तों, मल्टी लेयर एपिथीलियम टिश्यू का। तो इसके अंदर दोस्तों जितने भी जो टाइप्स होंगे वो हमारे एक से अधिक टाइप्स होंगे। आइए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर और क्या होगा।
तो देखिए सॉरी, देखिए क्या होता है कि इसके अंदर मल्टी लेयर्स पाई जाती है। मल्टी लेयर्स जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों? ऑफ सेल्स, सेल्स की मल्टी लेयर्स पाई जाती हैं। और जो ये मल्टी लेयर जो सेल्स की पाई जाती हैं, उनके अंदर जो सेल की जो साइज होती है वो दोस्तों वेरियस शेप की पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सेबरल लेयर्स पाई जाती हैं इसके अंदर। किसकी पाई जाती है सेबरल लेयर्स? इसके अंदर दोस्तों मल्टी लेयर पाई जाती है सेल्स की। बट उन सेल्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है दोस्तों? डिफरेंट होता है, यानी कि वेरियस होता है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो नेक्स्ट की बात करेंगे अपन इसके अंदर, देखिए कि जो सेल्स का जो साइज होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है? वेरियस होता है। तो दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन जो होता है, किसका क्लासिफिकेशन? स्ट्रेटिफाइड का क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सेल सेल्स शेप के आधार पर किया जाता है। सेल शेप के आधार पर दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको अकॉर्डिंग टू सेल शेप के आधार पर इसे क्लासिफाइड किया गया है दोस्तों। और उसे कितने भागों में किया गया है? इसको दोस्तों थ्री टाइप्स में इसे क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट होता है वो होता है अपना स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू। और दोस्तों इसके अंदर सेकंड जो अपना होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथीलियम टिश्यू। और दोस्तों इसके अंदर जो अपना थर्ड होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज कुछ इशू आया था, मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं, या और कुछ लोग फेसबुक पर डायरेक्ट जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी मेरे को कमेंट किया कि सर थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको स्लो पढ़ाने की, और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये भी मैं आशा करता हूँ। आप देखिए जो मैंने ये पढ़ाया है इसको आप फटाफट से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप पेन कॉपी लेकर के बैठते हैं तो प्लीज ये नोट्स साथ के साथ लिखते जाएं, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बनते जाएंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। फटाफट से इसे लिखें, फिर देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपन फर्स्ट वो होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला इसके अंदर जो अपना टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए इसके शेप के बारे में देखें, और यदि आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पता चल जाएगा कि हमारा जो आज का जो पोस्ट था वो मैंने ये वाला जो टॉपिक है अपना, इसके शेप्स और इसके कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी, वो मैं वहाँ अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो दोस्तों नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप और हमारे फेसबुक ग्रुप की, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसकी जो डीपेस्ट जो लेयर होती है सेल्स की वो होती है दोस्तों कॉलमिनर, कॉलमिनर सेल्स पाई जाती हैं। और ऊपर ऊपर जितनी भी सेल्स पाई जाएगी वो होंगी दोस्तों अपनी स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स। तो देखिए ये होता है अपना इसका कुछ बेसिक सा डायग्राम। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, इसमें सेबरल लेयर्स होती हैं, सेबरल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है दोस्तों, सेबरल लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की इसके अंदर भी। इसमें क्या होता है, डीपेस्ट लेयर जो होती है, इसकी जो डीपेस्ट लेयर जो होती है, डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इज मेड बाई कॉलिमिनर सेल्स, ठीक है ना। कॉलिमिनर सेल्स कॉलिमिनर शेप्स की होती हैं। इट हैव ऑल्सो टू पार्ट्स, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि इसके पास में भी कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों? टू टाइप होते हैं, जिसके अंदर दोस्तों फर्स्ट होता है अपना क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड, और सेकंड क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू, ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लें, और नेक्स्ट होता है इसके अंदर दोस्तों नॉन क्रेटिनाइज्ड। देखिए थोड़ा सा समझें इसको पहले, इसमें क्या होता है, इट इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस दोस्तों,
ये कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों पाया जाता है ड्राई सरफेस पर। देखिए कुछ लोग ने कमेंट की थी मेरे को कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ाएं, तो इसीलिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे पढ़ाऊं, अपनी स्पीड को कम कर दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा ना समझें कि ये टाइम बढ़ा रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं आपको इसीलिए आप आज की जो स्पीड है मेरी इसीलिए कम की गई है कि जितनी भी जो स्टूडेंट्स की मेरे पास में कमेंट आई थी कि सर आप थोड़ा सा धीरे पढ़ाएं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू के बारे में बात हो रही है, तो ये कैसी होती है? ड्राई सरफेस पर ये फाउंड होते हैं, जैसे कि दोस्तों स्किन कह दिया हमने, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं स्किन। नेक्स्ट इसके अंदर अपन समझ सकते हैं हेयर, और नेक्स्ट इसके अंदर अपन समझ सकते हैं दोस्तों नील्स। इन पर क्या पाया जाता है? क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू यहाँ पाया जाता है। द सर्फेस लेयर कंसिस्ट ऑफ द डेड एपिथीलियल सेल्स। इसकी जो सर्फेस होती है दोस्तों वो डेड एपिथीलियम सेल्स को क्या करता है? कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है डेड एपिथीलियम सेल्स को, ठीक है ना। जो ये डेड एपिथीलियम जो सेल्स होती हैं दोस्तों दैट हैव लॉस्ट न्यूक्लिया, ये क्या करती हैं? दैट हैव लॉस्ट न्यूक्लिया, ये न्यूक्लिया को लॉस्ट कर देती हैं एंड कंसिस्ट, और ये धारण कर लेती हैं दोस्तों प्रोटीन क्रिएटिनिन को। क्रिएटिन, प्रोटीन क्रिएटिन को क्या कर लेती हैं दोस्तों? ये अपने आप में धारण कर लेती हैं। दिस फॉर्म ये प्रिवेंट करता है दोस्तों, इसका मेन काम होता है प्रिवेंट टू ड्राइंग, ड्राइंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि ये सरफेस को क्या नहीं होने देता है? ड्राई नहीं होने देता है। आप फटाफट से इसका ये शेप बनाना चाहते हैं तो बना लें। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं दोस्तों नॉन क्रिएटिनाइज्ड की। चलिए देखिए अब बात करते हैं नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की। तो इसके अंदर क्या होता है? दिस टाइप प्रोटेक्ट मोस्ट सरफेस। ये क्या करता है? दिस टाइप प्रोटेक्ट मोस्ट सरफेस एंड प्रिवेंट्स देम, और उनको क्या करता है? प्रिवेंट करता है फ्रॉम ड्राइंग आउट, ठीक है ना। यानी कि सॉरी देखिए क्या करता है, दिस टाइप प्रोटेक्ट मोस्ट एंड प्रिवेंट, ये मोस्टली सरफेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है देम, किसको? सरफेसेस को, किससे? फ्रॉम ड्राइंग आउट, इन्हें ड्राइंग आउट होने से, जैसे कि कंजेक्टिव ऑफ द आइज, कंजेक्टिवा ऑफ द आइज। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी सर्फेसेज होती हैं जिनको ये ड्राइंग आउट नहीं होने देता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर नेक्स्ट आती है दोस्तों द लिनिंग ऑफ द माउथ। इनके अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो होता है द फेरिंग्स, फेरिंग्स, और नेक्स्ट इसके अंदर आता है दोस्तों द ईसोफेगस, ईसोफेगस एंड द बिजाइना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जिनको ये ड्राइंग आउट नहीं होने देता है। नॉन क्रेटिनाइज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यूज हैं, ये अपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू के क्या हैं? टू टाइप्स होते हैं, ये इसकी लैंग्वेज है। आप फटाफट से यहाँ से लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी नहीं प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। फटाफट से इसको लिखें दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथीलियम टिश्यू के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथीलियम। इसके अंदर क्या कह रहा है? दिस सरफेस लेयर, इसकी जो दोस्तों सरफेस लेयर जो होती है वो कैसी होती है? कॉलमिनर होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कहा फर्स्ट पॉइंट अपना कि दिस सरफेस लेयर इज कॉलमिनर, ठीक है ना। दिस टाइप एपिथीलियम फाउंड रेयर, ये रेयर केसेस में पाया जाता है। ये जो टाइप है एपिथीलियम का
ये रेयर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात हो रही है, इट इज सीन इन द कंजक्टिव लिनिंग, ये कहाँ पाया जाता है, कंजक्टिव लिविंग द आईलिट्स हेयर प्रोटेक्टिव एंड द सीक्रेशन, यहां जो ये पाया जाता है कंजक्टिव लिविंग द आईलिट्स, आईलिट्स में जो ये पाया जाता है, तो यहाँ ये कार्य क्या करता है दोस्तों, ये करता है प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्टिव एंड द क्या सीक्रेशन, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव और सीक्रेशन का कार्य करता है, कहाँ पर ये करता है, अपना आईलाइट्स पर, ठीक है ना। फटाफट से इसको लिखना चाहे तो लिख लें, इसकी लैंग्वेज में भी आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू, जो कि अपना थर्ड पार्ट है इसका, जो कि मल्टी लेयर्स को तीन प्रकार में बांटा था हमने, जिसमें से फर्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू की, टू लेयर्स में बांटा था, जिसमें स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, और ट्रांजिशनल को अभी अपन पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफाइड में अपन तीन को बांटते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे। इसमें है कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो कैसी शेप की होती हैं दोस्तों, क्यूब शेप्ड सेल पाई जाती हैं इसमें, ठीक है ना, सरफेस पर, और मल्टी लेयर की होती हैं, वो तो सभी को पता ही है क्योंकि मल्टी लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पाई कहाँ जाती हैं, तो ये दोस्तों एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रेटरी जो डक्ट होती है वहां पाई जाती है, सेलाइवरी एंड द स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना, इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों दो जो हमारा सेकंड जो टाइप था ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द कंपोज ऑफ द सेबरल लेयर, ये भी क्या होता है, सेबरल लेयर से क्या होता है, कंपोज होता है ऑफ द पियर शेप्ड सेल, इसके अंदर क्या होता है, पियर शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं, पियर शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं। इट लाइंस सेलाइबरी सेबरल पार्ट्स, ये क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स को क्या करता है, लिनिंग करता है, लाइंस ये पाया जाता है या लिनिंग करता है सेबरल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में कई पार्ट्स में ये पाया जाता है, इंक्लूडिंग द ब्लडर, जो अपना ब्लडर होता है उसको इंक्लूड करते हुए, यानी कि वहां पर भी पाया जाता है, एंड अलाउ फॉर द स्ट्रेचिंग, और ये क्या करता है, अनुमति देता है, अलाउज फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करने का एज द ब्लडर, ब्लडर को स्ट्रेचिंग करने के लिए क्या करता है, अलाउ देता है। ये था अपना पूरा एपिथीलियम का जो तीनों टाइप्स थे वो, ये फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ये सारी चीजें अपने कर ली थी, ये इसका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट अपन ने कॉलम वो पढ़ी लिया स्क्वेमस, थर्ड है अपना स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और जो सेकंड जो अपना पार्ट था दोस्तों ट्रांजिशनल एपिथीलियम वो ये है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, और ये यहाँ अपना एपिथीलियम टिश्यू है वो खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी है, और दोस्तों बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद में जो वीडियो आएगी अपनी वो कनेक्टिव टिश्यू की आएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन बात करेंगे दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू की, और इस टिश्यू यानी कि एपिथीलियम टिश्यू के नोट्स मेरे दोस्तों अब मेरे जितने भी जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, जितने भी नोट्स हैं वो सारे वहां आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपरली नोट्स मिल सकें। और दोस्तों एक और न्यूज़, यदि आपका कोई सीनियर
डीएमएलटी सेकेंड ईयर पैथोलॉजी की क्लासेस लेना चाहता है, या फिर अगर हम अभी कुछ ही दिनों में कोई और भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं यदि उनकी क्लासेस लेना चाहता है, तो उनके लिए हमारे चैनल का लिंक उन्हें प्रोवाइड करा दें ताकि वो हमारी क्लासेस ले सकें। और यदि दोस्तों आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।